साउथ कोरिया में रोबोट की कंपनी में एक 40 साल की व्यक्ति को रोबोट ने कुचल के मार दिया। अब कैसे हुआ, उस रोबोट के प्रोग्रामिंग में कुछ एरर आ गया था। आप लोगों ने एक मूवी जो देखा होगा, देखे होंगे, ये रजनीकांत का मूवी था, चिट्टी भी था और रोबोट भी था। जो चिट्टी था उसे जो विलन का रोल निभा रहे थे उसे मिस प्रोग्रामिंग के अपने के लिए प्रोग्रामिंग किए थे, तो उन्होंने उसी को शूट कर दिया था। आप लोगों ने तो ऐसा मूवी में देखा ही था, वैसे ही यहाँ पे हुआ, साउथ कोरिया में हुआ था। जो वो फ्रूट बॉक्स समझ के उस 40 साल व्यक्ति को क्रश करके, मतलब बहुत ज्यादा से दबा के कन्वेयर बेल्ट पे 2-3 बार पटक दिया। पटकने के दौरान वहां की कंपनी में जितने भी कर्मचारी थे उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका डेथ हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंसान के अंदर जो फीलिंग होता है वो मशीन के अंदर फीलिंग नहीं, चाहे कितना भी आप अपडेट वर्जन कर दीजिए, मशीन ही होता है और इंसान ही होता है। उसमें एक प्रोग्रामिंग फीचर होता है जिसे थोड़ा सा एरर आने के बाद उसका माइंड काम करना बंद कर दे। जैसे सेलफोन है अपना, आप लोग देखिएगा कि कभी कभी नेटवर्क थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, ऑटोमेटिक वो कभी बंद होगा कभी चालू होगा, मतलब थोड़ा सा उसका प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ हो जाए तो ऑटोमेटिक वो अपना दिमाग का संतुलन खो बैठता है। वैसे ही उसके साथ हुआ, उत्तर कोरिया में जो हादसा हुआ वैसे ही हुआ, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में मिसयूज या कुछ फॉल्ट हो गया प्रोग्रामिंग में, तो वो कन्वेयर बेल्ट में वो पटक के उनका हालत बुरी हो गया और हॉस्पिटल जाते जाते उनका डेथ हो गया।